हाय फ्रेंड्स, मैं प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओप्पो ने इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, जो ओप्पो F7। बताऊंगा मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी प्राइस, और बताऊंगा इसकी कमियां और क्या आपको इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए। दोस्तों, आगे चल के अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ओप्पो F7 की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो डिज़ाइन को लेकर यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कंप्लेन नहीं होगा। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बड़े रिस्क के साथ यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया सैंडविच डिजाइन। तो सामने की तरफ तो आपको ग्लास मिलता ही है, लेकिन पीछे की तरफ भी यहाँ पे ग्लास दिया गया है, तो आपको काफी संभल के इस स्मार्टफोन को यूज करना पड़ेगा। अगर आपके हाथ से स्मार्टफोन गिरता है तो ऐसे में आपको पता ही है यहाँ पे क्या होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे साइड में प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक क्यों यूज किया है बजाय इसके कि वो यहाँ पे मेटल को यूज करते हैं। सामने की तरफ मिलता है 6.23 इंच का स्क्रीन, फुल HD प्लस इसकी रेजोल्यूशन है, 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ ये आता है। तो सामने से फोन दिखने में ऑसम है, फुल व्यू डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलता है, ऊपर की तरफ वो एक आईफोन 10 टाइप का नॉच भी दिया गया है, और काफी कम बेजल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो इन्होंने कमी की है, ये एक TFT पैनल है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे इन्होंने IPS पैनल को स्किप करके कितना पैसा यहाँ पे बचाया है। दोस्तों, बात अगर हम करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे दिया गया MediaTek का प्रोसेसर जो है हीलियो P60। अभी ये ऑक्टोकोर प्रोसेसर और 2 GHz पे क्लॉक करता है, और इसे 12 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी के बेस पर बनाया गया है। तो पेपर के ऊपर यहाँ पे प्रोसेसर काफी अच्छा है, काफी पावरफुल है, लेकिन अगर हम MediaTek प्रोसेसर की हिस्ट्री देखें तो ये शुरुआत में तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन आगे चल के लैग करने लगते हैं, और यहाँ पे काफी ज्यादा हीटिंग की प्रॉब्लम भी होती है। तो स्मार्टफोन आने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे ये स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर अगर यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे काफी कमाल की बात हो सकती थी। और दोस्तों, यहाँ पे गेमिंग के लिए दिया गया GPU G72 MP3। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके कैमरास की, तो यहाँ पे सामने की तरफ दिया गया 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसका एपर्चर है F2.0, और पीछे की तरफ दिया गया इसका प्राइमरी कैमरा सिंगल कैमरा है, और वो है 16 मेगापिक्सल का, और इसका एपर्चर है F1.8। और दोस्तों, ये एक AI बेस्ड कैमरा है, तो यहाँ पे आपको वो AI बेस्ड सारे फीचर्स मिल जाएगा, जैसे कि AI ब्यूटिफिकेशन, फलाना डिमका, लड्डू लसन, तो वो सारा आपको AI का फीचर्स यहाँ पे मिलने वाला है। और हम सभी को पता है कि यहाँ पे ओप्पो हमेशा से एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाता है, तो कैमरा को लेकर यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कंप्लेन नहीं होगा। और यहाँ पे सामने की तरफ इन्होंने सोनी का सेंसर यूज किया है, तो काफी बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ओप्पो F7 को जगाए रखने के लिए इसमें दिया गया 3300 mAh की बैटरी, USB 2.0 के साथ ये आता है, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें सेंसर की, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक लाइट प्रॉक्सिमिटी जी सेंसर और एक्सेलरेशन सेंसर भी मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे आपको पीछे की तरफ दिया गया है। दोस्तों, डुअल सिम सपोर्ट के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है, और यहाँ पे आपको एडिशनली एक अलग सा स्लॉट मिल जाएगा माइक्रो SD कार्ड लगाने का, तो ये यहाँ पे एक अच्छी बात निकल के आती है। दोस्तों, ओप्पो F7 आउट ऑफ बॉक्स आएगा एंड्रॉइड ओरियो 8.1 के साथ, जिसके ऊपर कलर OS 5.0 दिया गया है। और अगर हम बात करें रैम स्टोरेज प्राइस की, तो यहाँ पे दो वेरियंट में आने वाला है। पहले वेरियंट में आपको मिलेगा 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज, जिसकी प्राइस रखी गई है 21,990 रुपए। दूसरे वेरियंट में आपको मिलेगा 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज, जिसकी प्राइस रखी गई है 26,990 रुपए। तो ये था दोस्तों कंप्लीट पैकेज जो ओप्पो F7 यहाँ पे ऑफर करता है। और अगर हम बात करें क्या आपको इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 GB वाला वेरियंट है उसे मैं डेफिनेटली बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके बजाय आप और थोड़ा पैसा डाल के यहाँ पे ऑनर का व्यू 10 या फिर 1+5T ले सकते हैं, जो कि एक बेहतर स्मार्टफोन है। बात अगर हम करें 4 GB वेरियंट की, जिसकी प्राइस है करीब 22,000 रुपए, तो 22,000 रुपए में आपको मिलता है प्लास्टिक फ्रेम, TFT पैनल, USB 2.0, क्विक चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, सिंगल कैमरा, MediaTek का प्रोसेसर और 3300 mAh की बैटरी। तो ऐसे में देखा जाए तो इसकी स्पेसिफिकेशन को, तो 22,000 में ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, और बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप ओप्पो के डाई हार्ट फैन है, आपको कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, तो ऐसे में आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसकी स्पेसिफिकेशन हिसाब से ये काफी ज्यादा ओवर प्राइस है, और इसकी प्राइस करीब 15,000 या 16,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। अगर इस स्मार्टफोन में अगर कुछ अच्छा है, तो वो है क्या है इसमें अच्छा, 2 मिनट दीजिए दोस्तों, अभी मैं सोच के बताता हूँ इसमें अच्छा क्या। हाँ, कैमरा, अगर इसमें कुछ भी अच्छा है तो वो है दोस्तों कैमरा। तो कैमरा आपको इस स्मार्टफोन में अच्छा मिलता है। कैमरा के अलावा अगर आपको इस स्मार्टफोन में कुछ भी अच्छा लगा है, तो आप उसे प्लीज मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। तो मैं आपको कहूंगा दोस्तों, थोड़ा आप रुक जाइए, यहाँ पे अभी मोटरोला और एसूस अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, उसके बाद आपके सामने ओप्पो, वीवो, एसूस और मोटरोला के
सारे स्मार्टफोन्स का बुफे लग जाएगा। उसके बाद आप देख समझ के जो भी स्मार्टफोन यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट निकल के आता है उसे आप खरीद सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करिए, अगर हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, और बोलते रहिए भारत माता की जय।